इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, 2-3 दिन के लिए मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। पर आपने बताया नहीं, पहले कहीं जाना होता था तो आप पहले ही बता दिया करते थे। देर रात मैसेज आया था जब तो तुम सो चुकी थी, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, 2-3 दिन आपके बिना कैसे रहूंगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना, पहुँचने के बाद फोन कर देना। ठीक है। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ, तू तो फोन करती नहीं है, मैंने सोचा मैं ही कर लूँ। अच्छा किया ना मौसी जी, मैं करूँ या आप, एक ही तो बात है। और सुना क्या हो रहा है? चाय पी रही हूँ, आप भी पी लो। इतनी दूर आऊंगी, तेरी चाय पीना तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो क्या हुआ मौसी जी, पैसों की कमी थोड़ी है आपके पास? ये तो तू ठीक कह रही है, फिर कभी आऊंगी, फिलहाल तू पी ले मेरे हिस्से की। ठीक है मौसी जी, जैसा आप कहें। और बता संजय कैसा है? वो भी अच्छे हैं। तू ऐसा कर, उससे बात करा दे, मैं उससे ही पूछ लेती हूँ। बात तो तब करवाऊँ ना जब वो यहाँ पर हो, वो कंपनी के काम से बाहर गए हैं, उन्हें आने में 2-3 दिन लगेंगे। तो कॉन्फ्रेंस पे ले ले। मैं खुद फोन मिला रही हूँ उनका, लेकिन नोट रिचेबल जा रहा है। कंपनी के काम से गया है और फोन नोट रिचेबल जा रहा है? वो जहाँ पे जाते है ना, उस एरिया में कई बार नेटवर्क नहीं आते। अरे और कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है उसका? मैं जब भी संजय के बारे में पूछती हूँ वो बाहर ही गया होता है। अरे नहीं नहीं मौसी जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुझे दुख पहुँचे, वो मुझे अपने आप से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा तो तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा अपना ख्याल रखना। जी मौसी जी। आ गए आप? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है आ गए आप। तो चले अंदर। क्या बात है, आप जब से आए हो परेशान से लग रहे हो, जिस काम के लिए गए थे वो अच्छे से हो गया? अरे वो अभी पूरा नहीं हुआ, 1-2 दिन में फिर जाना पड़ेगा। क्या 1-2 दिन में फिर जाना पड़ेगा? अभी तो आप आए हो, फिर जाने की बात कर रहे हो। तो क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा ना। पहले तो आप महीने में एक बार ही जाते थे। वो तो जितनी बार भी काम पड़ेगा उतनी बार जाना पड़ेगा ना। आप कह तो सही रहे हो, क्या करूं, आपके बिना घर खाली लगता है, मन ही नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ, जब मैं यहाँ होता हूँ तो वहाँ की टेंशन होती है, जब मैं वहाँ होता हूँ तो यहाँ की टेंशन होती है। ये टेंशन वेंशन की बातें छोड़ो, आप अब कपड़े चेंज करो और आराम करो। मैं तो यही कहूँगा भैया, सही समय का इंतजार करो, ऊपर वाले ने आपको योग्यता से मिलाया है, कुछ सोच समझ कर ही मिलाया होगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, अगर इस बात को छुपाने से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो चलने दो। अरे यार वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझ पे बहुत विश्वास करती है, ये बात उससे छुपा कर ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। सही समय का इंतजार करो और फिर सब कुछ बता देना। तुम ऐसे ही परेशान रहोगी तो फिर मैं कैसे जाऊंगा? तुम मत जाओ, मैं 2 टाइम की बजाय 1 टाइम रोटी खा के गुजारा कर लूंगी, बड़े घर की जगह छोटे घर में गुजारा कर लूंगी, पर तुमसे दूर नहीं रह सकती।
मुझे कुछ समय दो, मैं सोचता हूँ कुछ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मंसूरी में कैसा लग रहा है? मंसूरी में बहुत अच्छा लग रहा है भाभी, मंसूरी बहुत अच्छा है। पर एक बात मेरे साथ मंसूरी में अजीब हो रही है। मुझे एक लड़का माल रोड पे दिखा था, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं। ओहो, लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। ऐसे कैसे भाभी, मैं उसको जानती नहीं, पहचानती नहीं, पहले कभी उसको एक बार भी देखा नहीं, एक बार देखते ही प्यार हो गया। हाँ हाँ, ऐसा भी होता है, अनजान इंसान भी ऐसा लगता है जैसे अपना हो, उससे बातें करने को मन करता है, और किसी को देखकर ऐसा लगता है ये कहाँ से मिल गया, उसे देखने का भी मन नहीं करता। ये पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। अच्छा ये बताओ, वो है कहाँ से, क्या नाम है उसका, उसके बारे में कुछ पूछा भी? क्या भाभी, कुछ जानने का मौका ही नहीं मिला। अब जब भी मिलो ना उसके बारे में पूछना जरूर। दिख गया भाई। कौन दिख गया, बताओ तो सही, कौन है? वही जिसका मैं जिक्र कर रही थी। अच्छा तो इससे पहले वो चला जाए उसको जाके पकड़ ले। भाभी आप सही कह रही हैं। अच्छा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके, और सुन। जी भाभी। थैंक यू भाभी। हेलो हेलो, मेरा नाम योगिता है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम संजय है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं यहाँ घूमने आई हूँ। और आप अकेले घूमने आए?
हाँ मैं यहाँ अकेला घूमने आया हूँ। और आप किसके साथ आई? मैं भी यहाँ अकेले घूमने आई हूँ। आओ वहाँ बैठ के बातें करें, आपके पास टाइम हो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं, घूमने आया हूँ, टाइम ही टाइम है, चलिए चलिए। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा। योगिता बेटी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? ठाकुर जी की कृपा से आनंद आ रहे हैं। अकेली आई हो? संजय नहीं आया? काफी दिन हो गए संजय को देखे हुए। वो कंपनी के काम से बाहर गए हैं। अच्छा, काम सही चल रहा है? ठाकुर जी तुम दोनों को खुश रखे। इतने दिन हो गए, 2-3 दिन के लिए कह के गए थे, फोन में ला के देखती हूँ। इस समय कौन आया होगा? आ गए आप, मैं आपको ही फोन मिला रही थी अभी, फोन पे आपसे ही बात करना चाह रही थी। तो लीजिए, प्रकट हो गए आमने सामने बात करने के लिए। आप लेट प्रकट हुए, आओ अंदर आ जाओ। आप 2-3 दिन की कह के गए थे, आज पता है कितने दिन हो गए? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी नाराजगी जायज है। मैं 2-3 दिन के लिए कह के गया था और मैंने इतने दिन लगा दिए। अच्छा बाबा, अब माफ भी कर दो। अच्छा बाबा, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो। वो नींद नहीं आ रही है। मैं काफी दिन से महसूस कर रही हूँ, आपके मन में कुछ बेचैनी सी है, क्या बात है? मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने काफी बार कोशिश की तुम्हें ये बात बताने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। डरता था कहीं तुम्हें खो ना दूं। मेरा जमीर मुझे अंदर ही अंदर कचोरता रहा। ये बात तुमसे मैं छुपा कर मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। बस ये बात तुमसे मैं और नहीं छुपा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ये सब कुछ मैं तुम्हें बता के रहूँगा। बात ये है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैं तुमसे ये हमेशा कह के जाता हूँ कि मैं कंपनी के काम से जा रहा हूँ, पर मैं अपने बेटे से मिलने जाता हूँ। वो देहरादून के एक हॉस्टल में रहता है। इस बारे में कल बात करेंगे, अभी आप सो जाइए। आखिर तुमने मुझे छोड़ के जाने का फैसला कर ही लिया। ये आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, बस इतनी सी बात के लिए कि आपका एक बेटा है। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मुझे तो ये पता है कि आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप ये बात मेरे से ज्यादा दिन नहीं छुपा पाए। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो बातें 7 जन्म निभाने की करती हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर अपना रिश्ता ही खत्म कर देती हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैंने बैग में आपके भी कपड़े लगा दिए हैं। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बेटे को लेने उसके हॉस्टल में जा रहे हैं। अब वो हॉस्टल में नहीं,
हमारे साथ हमारे घर में रहेगा। अब की बार कंपनी के काम से आप अकेले नहीं जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, इसीलिए मैंने आपके भी कपड़े लगा दिए हैं। पापा आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये आंटी कौन है। बेटा ये आपकी मम्मी है। मम्मी? ये मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो भगवान की बात चली गई, ये मेरी मम्मी कैसे हो सकती है? नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। ओहो आपने इनसे शादी कर ली, अब ये क्यों नहीं कहते कि ये मेरी सौतेली माँ है? ये क्या बदतमीजी है, तुम हॉस्टल में रहकर बहुत बदतमीज हो गए हो, ऐसे कौन बोलता है? मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि तुम बदतमीज हो जाओ। आपने मुझे इसलिए बाहर पढ़ने के लिए भेजा था ताकि आप इनसे शादी कर ले। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इनको कभी मां नहीं बोलूंगा। सोनू, सोनू। कोई बात नहीं, रहने दो, अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सोनू बेटा। सोनू तुमने सुना ही, मम्मी राधे राधे बोल रही है, चलो राधे राधे बोलो। राधे राधे। अच्छा मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, बाय। ठीक है। जाने में लेट हो गए। हाँ आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। सोनू कहाँ है? वो अभी अभी सो गया आपका इंतजार करके। क्या सोच रहे हो? मैं सोनू के बारे में सोच रहा हूँ, उसका व्यवहार तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है। आप बेकार की टेंशन ले रहे हो, मैंने आपसे पहले भी तो कहा था, अभी वो बच्चा है, अभी उसमें इतनी समझ नहीं है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। वैसे भी आपने देखा ना, आज आपने उसे राधे राधे कहने को बोला, उसने मुझे राधे राधे कहा। हाँ मैंने देखा उसको, जिस मन से उसे तुमसे राधे राधे कहना चाहिए था उस मन से नहीं कहा उसने। आपको नहीं लगता कि आप इस विषय में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा पापा जी मैं चलता हूँ। सोनू बेटा रुको, मैंने तुम्हारी मनपसंद का गाजर का हलवा बनाया है, मैं अभी लेके आती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम हो के मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और ये क्या, जब देखो हर समय बेटा बेटा लगाए रखती हो। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ मर चुकी है, कितनी बार बताऊँ तुम्हें, तुम ये माँ बनने का ड्रामा बंद करो। लगता है बाइक की चाबी तो अंदर रह गई। तुमने मुझे बिना बताए ऑपरेशन करवा दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सोनू मिल गया। तुम्हें और बच्चा नहीं चाहिए था, तुम्हें ये डर था तुम्हारी अपनी संतान होगी, तुम्हारा प्यार कहीं सोनू के लिए कम ना हो जाए। क्या फायदा हुआ इतना त्याग करने का? कहा? हाँ माँ कहा मैंने आपको, आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। एक मैं हूँ जो अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांधकर घूमता रहा, आपके प्यार को मैं पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दो माँ, किसी ने सच कहा है, जन्म देने वाली से पालने वाली ज्यादा बड़ी होती है, ये आपने साबित कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटे माफी मत मांगो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम ठीक कहती थी,
जिस दिन सोनू को मेरा प्यार समझ में आएगा उस दिन उसकी नफरत प्यार में बदल जाएगी। आज तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी ममता की जीत हुई।